सुना, मुझे अपनी जिंदगी याद आती है। ये शरणाई का जो शब्द यूज किया था गुरु महाराज ने, हम वास्तव में शरण में नहीं जाते, हम तो अपने काम के लिए जाते हैं। और फिर कहा, बिन बोलत मेरी वृथा जाने, वहाँ कहने की जरूरत ही नहीं। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं 18 साल के बाबा फकीर जी के चरणों में आया, मैंने कोई बात ही नहीं की उनके साथ, अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में या माँ बाप के बारे में कोई बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने सब कुछ जान लिया और मेरी बाजू पकड़ ली। मैं मानता हूँ ये जो वाणी लिखी है ये अटल सत्य है, हम शरणाई नहीं जाते, हम शरण जाते हैं केवल कह देते कि बाबा जी ऐसी थोड़ी शरण चाहे, वो शरण नहीं है। क्या कबीर साहब ने कहा है, कबीर भक्ति सफल है, कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर, संशय शोक निवार के निर्मल करे शरीर। ना संशय रहने देता है फकीर, ना कोई शोक रहने देता है, सब कुछ क्लियर कर देता है और बगैर बोले बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो ठाकर काहे का हो, अगर बोलना पड़ा कि महाराज मैनू यह चाहिए, मैनू यह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत ऊंची स्टेज है ये गुरु नानक साहब जी की बाणी है, उन्होंने बताया है, हमें तो उस पर विश्वास ही नहीं आता। पहली बात तो ये है, और विश्वास क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे ऊपर उनका रहम नहीं है। विश्वास केवल उसको आएगा जिसके ऊपर उनकी दया है। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि तुम्हारा विश्वास तभी बैठेगा जब उसकी दया तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। और मेरे तो पहले दिन ही विश्वास बैठ गया था, मैं तो छोड़ा ही नहीं उनको। क्या कहा मैंने, एक शब्द कालो दाता दयाल जी महाराज का जी, मैं आपको सुनाता हूँ। जो शरण में चला जाता है क्या होता है, जो आदमी शरण में कुदरती इन्होंने भी बड़ा प्यारा शब्द बोला, तो मैं भी इसी बात को दोहराने लगा हूँ जो दाता दयाल जी ने कहा। बोलो दो नंबर का शब्द पहले पढ़ो, क्या है, नाम के ऊपर है ना जी। हाँ जी हाँ, नाम पहले नाम सुन लो। हम नाम लिया है, हमें नाम मिल गया, और नाम हमने मांग कर लिया। जो मांग कर लिया जाता है वो नाम होता ही नहीं है, पहली तो बात ये कह देता हूँ। नाम मांगने की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ जैसे हुआ, मैं तो वो कहता हूँ, मुझे दुनिया का पता नहीं, लाने लगी हुई है महाराज, नाम दे दो नाम दे दो नाम। और गुरु तो बुला लेते, आ जा बेटा नाउ यू आर रेडी, आ जा, अब तेरे को चाहिए नाम, आ जा, दे देते हैं और फिर टच करते हैं, ये है यहाँ से चलना, तुमने रास्ता बता देते हैं। अब यहाँ तो पता नहीं किन किन लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, 30-30, 40-40 साल हो गए नामदान लिए हुए, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के, रोते हैं, घरों में झगड़े हैं, क्या करना, कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा फकीर ने कहा, ये नाम नहीं है, लोगों को जहर दे रहे हैं गुरु आजकल के। और बिल्कुल ठीक बात कहता हूँ मैं, या डिजर्व नहीं करते लोग नाम को, पहले देखो कि वो अधिकारी भी है, नाम लेने का अधिकारी है। जो आया नाम, जो आया नाम, जो आया नाम दे दिया, दे गई और अपना नंबर बढ़ा लिया, ये ठीक नहीं है। पढ़ो आप, पढ़ो। नाम पाया साथ उसके साथ प्रेम करो, फिर पता लगेगा। क्योंकि वो जो शब्द गुरुजी देते हैं वो तुम्हारे को कल्याणकारी है, वो ही तुम्हें पार करेगा, और वो ही शब्द तुम्हें असली शब्द से मिलाएगा, दूसरा कोई शब्द नहीं मिलाएगा। क्या कहा मैंने, पढ़ो आगे। नाम पाया गुरु से तूने, नामी हो गया, मैं भी नाम लिया। पुछ लेने मैंने भी लोग पूछते, तुझे कितों नाम लिया सी जी, मैं क्या की गल, कोई तो मैं दुकान खोलनी है
नाम पूछते कहाँ से लिया था। अरे बाबा क्या मूर्खता की बातें लोग करते हैं, क्या वो कपड़ा है कोई या सोना है कोई, क्या चीज़ है जिसका पहचान करना कि ये बढ़िया नाम है तो वो बढ़िया नाम नहीं है। आगे बढ़ो। नाम पाया गुरु से तूने, नाम से नामी हुआ, काम कर से काम हो कर, काम कर से काम हो कर, जब तूने से कामी हुआ। अब एक बात कह, जब नाम मिल जाता है तो वो इंसान बिल्कुल निस्वार्थ हो जाता है, उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ जो है वो हमें बांधता है। बात को समझना, स्वार्थ क्या है? स्वार्थ हमें बांधता है किसी भी चीज के साथ। जहां से तुम्हारे किसी से स्वार्थ है, किसी से तुम्हें लेना है कुछ या कुछ करना है, तो तुम उसको प्यार करोगे ना, ताकि तुम्हारा काम निकल जाए, तुम सेवा भी करोगे। निष्काम नहीं हुए तुम लोग, जिन्होंने नाम लिया है वो निष्कामी नहीं है, इसलिए नाम का उनको कोई लाभ नहीं होता। वो उसी तरह से काम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि काम से कैसे बचना है, क्रोध से कैसे बचना है, लोभ से कैसे, उनको पता ही नहीं है लोभ क्या है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये जो बातें हैं, नाम केवल वो जप सकता है जो निष्काम हो जाए, उसका कोई किसी भी काम में कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता, वो अपनी ड्यूटी समझता है कि मुझे नाम मिल गया, अब मैंने अपनी ड्यूटी करनी है एज ए मैन, एज ए बेटा, एज ए पिता, एज ए हस्बैंड, जो भी मेरी ड्यूटी है वो मैंने करनी है, बस। वो निष्काम होके करता है, ये नहीं कि मैं ये कर दूँ तो मुझे ये हो जाएगा, ये कर दूँ तो ये हो जाएगा, निष्कामी करना है। क्या क्या आगे चल। नाम जिसको मिल गया सूर्य राज सुरेंद्र है, नाम जिसको मिल गया सूर्य राज सुरेंद्र है, वो जिसको नाम मिल जाता है उसके तो जिंदगी ही बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका खाना बदल जाता है, उसका पीना बदल जाता है। क्या कहा मैंने? क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर है, और अगर तुम्हारा अंदर साफ नहीं है तो नाम क्या करेगा? तुम तो स्वार्थ में फंसे हुए हो, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, फिर नाम नहीं जप सकते। फिर आपको वो करना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। जब शरणागत हो जाओगे तो वो खुद तुम्हारा इंतजाम करेगा। पकड़ो मेरी बात को, जब तुम नाम लेकर शरणागत हो जाओगे, अब मुझे गुरु ने नाम दे दिया है, अब मेरी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन क्या दुनिया वाले नाम परिवर्तन करने के लिए जाते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए? ना, कोई जिंदगी को बदलने के लिए जाता, सिर्फ बल्ले बल्ले कराने जाते हैं। सेवक बन गए जी, हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम वो हो गए। वो दुख होता है मुझे ऐसी बातें सुनने का। मेरे एक दोस्त, मेरे कुलीग प्रोफेसर थे, अभी पता नहीं हैं जहाँ नहीं हैं, पता नहीं, मुझे 3 महीने पहले पता लगा, तो मेरे को ऐसे में अपनी फाइल देखी तो उसमें उसका नंबर मिल गया, तो मैंने उसको टेलीफोन किया। मैं कहूँ हेलो कैसे हैं भाई कालिदास? ओहो कमल जी, तुझी किदा याद कर लिया, मैं क्या तेरी लिस्ट छपड़ी, मैं यार अपने देख रहा सी फाइल, इसमें तेरा नाम आ गया। कहता मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं कहा क्यों? नाम लिया था, नाम भी लिया हुआ है तो हम सेवा में जाते हैं, सेवा जाते, सेवा करते हैं, कोई पता नहीं क्या कौन सी सेवा करते हैं, तो कहता वहाँ रोटियाँ खा के मेरे को कब्ज होने शुरू हो गए, और कब्ज इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी आंतड़ियों में कैंसर हो गया है, मुफ्तियाँ रोटियाँ खा के कैंसर हो गया है। अब मैं चंडीगढ़ से इलाज करा रहा हूँ, महीने में 3 घंटे चेमोथेरेपी होती है,
मैं कहता हूँ ऊना से होके जाता है मेरे को आके मिलना तो सही। कहते टाइम ही नहीं होता, रात को 3 बजे लगती है, अब तो 2 बजे लगती है चैम्बर से, 3 घंटे चैम्बर। अब बताइए कि ये क्या नाम हुआ, कौन सा नाम है, ये कौन सी सेवा है, कौन सी सेवा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सेवा क्या है? सेवा जो मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने बताया, सेवा वो है दर्शन करे, बचन पुरे सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर लैत सार, कर सार तिस करे आहार, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गोए। ये है सेवा, ये है सेवा। क्या कहा मैंने? परमदयाल जी महाराज ब्यास जाया करते थे, मुझे बात याद आ गई। तो घई साहब एक बहुत बड़े ऊंचे अफसर थे कानपुर वाले, वहाँ टोकरियाँ चल रही हैं टोकरियाँ, और बाबा सावन बाबा क्या नाम है इनसे पहले जो महाराज थे चरण सिंह जी महाराज खड़े हैं, बाबा जी भी कहते मैं उनके पास खड़ा था। तो मैंने कहा बाबा जी ये जीव हैं इन्हों का पार कर दो, बेड़ा कर दो, ये कम की करा रहे हैं। तो गई मेरे पास से निकला, सिर पर टोकर चक्या है, मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा इधर आओ बाबू जी, इधर आओ, टोकरी फेंक दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर वो यहाँ रहा महाराज के पास, मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था, महाराज के साथ बार फौरन में भी गए, बात मेरी समझ गए। ऐसे उठे गुरु की पहचान, ले आए उसको यहाँ। क्या कहा मैंने? तो जो दुनिया दौड़ी हुई है वो गुरु चंगा, वो गुरु चंगा, वो गुरु चंगा, दुनिया तक गिनती देख रही है, उत्थे ज्यादा लोग है, वो बढ़िया है, बेचाल है। ये क्या कहते हैं? निष्काम पढ़ो, फिर पढ़ो क्या कहते हैं। काम करे निष्काम हो करे, जब तू निष्कामी हुआ। नाम मिल गया तो फिर तुम्हें किसके साथ बंधन होना चाहिए, तुम्हारा किसके साथ बंधन होना चाहिए? या गुरु स्वरूप से होना चाहिए, या गुरु के शब्द के साथ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी अपने आप हो जाता है। फिर करके देख लो, तुम कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रास्ता बिल्कुल अपने आप साफ होता जाएगा। मगर तुम शरणागत नहीं होते हो, तुम निष्काम भी नहीं होते हो, तुम हर जगह अपना नाम लेना चाहते हो कि मेरा नाम हो जाए। क्या कहा मैंने? आप पढ़वा नाम सुख है उसको नाम लेकर, सुख है उसको नाम लेकर, जो विश्रामी हुआ। सुख किसको मिलेगा? नेकामी हुआ जिसकी कामना खत्म हो जाती है, जिसकी कामना खत्म हो जाती है, वो कोई प्लानिंग नहीं करता, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, वो है नेकामी, वो हो गया। बात समझ गया? काम काम सब कोई कहे, काम न चीने को, जितनी मन की कल्पना काम सहावे सो। मैं जब मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने कहा बेटा अपने मन की किताब पढ़ा कर, बेटा अपने मन की किताब पढ़ा कर, तो कल मुझे जलंधर जाना पड़ा, मरीज था वहाँ। तो मैं रास्ते में सोचने लग गया मैं डॉक्टर को मिलूंगा और उससे पूछूंगा पे हमारे मरीज की क्या हालत है। ऐसे एक चक्कर चल पड़ा मन में, ना मन सोचता ही है ना। तो जब मैं वहाँ जाकर गाड़ी में उतरा, मैंने कहा मैनू ये दस पे तू ये गाड़ी में सारा ये सोचता रहा मैं डॉक्टर को मिलूंगा, जे करूँगा जे करूँगा, तेनू की लोड़ पई है, तू दस तू कहदे वास्ते चिंतन किया है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि गुरु की आज्ञा है मन की किताब पढ़ना। एकदम बाबा फकीर का ख्याल आ जाता, ओ तू गलत पासे जा रहा सी, क्या कहा मैंने। इसको कहते हैं नेक आमी होना, क्योंकि नाम मिल गया। किससे? बाबा फकीर से नाम मिला, तभी नामी बन गए हम, कामी नहीं बने। जो कामी बनेगा वो नाम नहीं जप सकता। रवि रजनी एक छोर ना एक जाम, ऐसा भी कहा गया है।
क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। जीत जी है हर सयोर आनंद पीछे मुक्ति शांति। हाँ, तुम जीत जी जब तक तुम्हारा जीवन है इस नाम का सिमरन करो। और नाम का मतलब क्या अब ये भी बता देता हूं। किस चीज का नाम है ये जो तुम्हें नाम दिया जाता है, वो किस चीज का नाम है? वो तुम्हारे घर का नाम है जहां से तुम आए हो इस दुनिया में। वो पांच नाम नहीं है, ये भी कह देता हूं। वो नाम जो सतगुरु देता है यहां हाथ रख के, वो तुम्हें वहां का नाम देता है बेटा। जैसे मैं जहां बैठा हूं ना, यहां बैठा हूं, मैं कहां से आया? ऊना से आया। सत्संग करके कहां जाऊंगा? ऊना ही जाना ना वापस। क्या कहा मैंने? तो जब तुम नाम जपते हो तो तुम्हें अपने घर की याद आनी चाहिए। क्या कहा मैंने? तुम्हारा घर क्या है, कौन सा है? जब वो कशिश हो जाएगी तो दुनिया का काम अपने आप होने लग जाता है। मेरा तजुर्बा ये है, कुछ तरदद करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेअंत है। तुम चले गए शरण में तो क्या हुआ, संशय परम सब दूर हो गया। यही कहा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। अब बोलने सब कुछ जानता मेरा सतगुरु परम दयाल, वो बहुत सुनते नहीं है, तुम कहने लोड़ नहीं है, तुम शरणगत हो गए, बस रख दिया सिर चरणों में। मैं नहीं जानता कुछ भी, जो मर्जी कराओ, हूं देखो तुम्हारा कितना जिंदगी बदल दिया। आगे चलो। आनंद पीछे मुक्ति शांति, उसकी महिमा क्या कहे, उसकी महिमा क्या कहे को ई जो सतदानी हुआ। उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। जो सतधामी हो गया, जिसको अपने घर का पता लग गया, उसकी क्या महिमा करने की, किसी ने कर सकता कोई? वहां की कोई महिमा हो नहीं सकती। क्या कहा? सतधामी जो हो गया सतधामी, उसकी फिर कोई जरूरत नहीं रहती। आगे चलो। राधा स्वामी नाम जो, राधा स्वामी नाम जो लेता है तज करे काम को दे, वह सबका वह स्वामी हुआ। नहीं हो सकता बंधुआ जगत का, उसके लिए जगत क्या है? सपना है, सपना है। जे जगत जो तू देखता चले नहीं संग तेरे, किसी नाल किसी आदमी जाना, समझ गए? ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात। तुम दुनियादार हो, मैं भी दुनियादार हूँ, लेकिन मैंने बाप को समझ लिया। बात समझ गए? जब आंख बंद हुई कोई अपना नहीं है, आंख खुली तो सब अपने हैं। क्या कहा मैंने? ये है शरणागत होने का नाम जिन्होंने लिया। अब जो शरणागत हो गया और नाम मिल गया, उसका क्या होता है वो मैं अगले शब्द में आपको सुनाता हूँ। सुनो आगे, उसके साथ क्या होता है उसको सुनना, ध्यान से सुनना। कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहता, उसको पता लग जाता कि मेरा है बस। मीराबाई ने क्या लिया? उसको पता था कि मेरा है, गिरधर मेरा है, और गिरधर का प्रसाद कभी जहर हो नहीं सकता। पी गई। क्या कहा मैंने? तन्ना भक्त ने पत्थर ले लिया, पंडित ने कहता ले तेरा देही ठाकुर है, वो बह गया चौकड़ी मार के। खाना आया नहीं खाना, आओ ठाकुर आता तो खाते, पंडित जी तो खाते, मेरा नहीं खाना। बस नहीं खाया, नहीं खाया। बड़ी परेशान घर वाले, क्या साडा पागल हो गया पंडित दे कोल। पंडित जी साढ़े पति नु की कर दिता? कहना कुछ नहीं किया, मैंने गलों बुला लाई सी। गलों बुला ला दे ना, फिर रोज़ कहना सी मैनू भी ठाकर दो, तुसी बड़ी सेवा करते हो। फिर उसी पत्थर में से उसको दर्शन हुए और खाना खाया। क्या कहा मैंने? हालांकि वो भगवान नहीं था, वो उसके मन का अपनी ताकत थी, अपना मन ही सब, एक मन का खेल है। मन के खेल में जितने भी तुम्हारे कारनामे हैं या
ये जो आपको कृष्ण में नजर आते हैं ये कोई मतलब नहीं रखते, कुछ इनका मतलब नहीं है। वहाँ कोई कृष्णा नहीं है, वहाँ तुम्हारी संभाल होती है। कैसे? पढ़ुआ, बंधन में जिसने फसाया, जिसने बंधन में फसाया है छुड़ाएगा वही। कर लो विश्वास करो तो विश्वास, जिन्हें सानू इतने भेजा साडा ख्याल नहीं करूंगा। आप अपनी मर्जी से आए हो, बताइए कोई आया अपनी मर्जी से? तुम्हें किसी हस्ती ने भेजा है और वो हस्ती तुम्हारा ख्याल रखती है, मगर हम मन के पीछे लगकर उसका ख्याल नहीं रखते। हम उसको कहीं और ढूंढते हैं, हम उसको कहीं और दौड़े जाते हैं ताकि हमारी जो मनोकामना वो पूरी हो जाए। इंसान को विश्वास ही नहीं है कि मेरा मालिक है। क्या कहा मैंने? जब तुम्हारा मालिक है तुम उसके हो गए भाई, फिर हाय हाय किस बात की। पकड़ लो पल्लू उसका। जब पढ़ा गुरु नानक साहब का वचन आपने सुन ले लिया, उसको कोई कमी नहीं रहती है। क्या कहा? पढ़ो, फिर पढ़ो। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। आगे चलो। जाल माया मोह के आकर कटाएगा कर देता है सोच विचार। जैसे मैंने बोला ना कि मैं गाड़ी में बैठा सोचता जा रहा था कि ये करूंगा वेट करूंगा, जैसे ही वहां जाकर पाव जमीन पर रखा वो सारा ख्याल खत्म हो गया। ले व्हाई शुड यू गो टू द डॉक्टर, तू से खबर लेना आया तय की लेना डॉक्टर तो पता नहीं था कैसा व्यवहार होगा। बात मेरी समझ गए? ये ताना वाना बुनता है, ये नहीं छोड़ता आदमी को, लेकिन जब गुरु का दया हो तो जाग आ जाती है, वो जगा देता है तुम्हें। नहीं बच्चा ऐसा नहीं सोचना है। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। जाले माया मोह के आकर कटाए। माया मोह क्या है? ख्यालों की दुनिया में हमारा मोह हो जाता है। ख्याल विचार आशाएं गल लेकर बैठे हैं, ये भी कर लू, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। होना वही है जो निश्चित है, वही होगा। तुम्हारी स्कीमें कोई काम नहीं करेगी। जब उसकी दया होगी तो स्कीमें भी बनेगी तो अपने आप होता जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गर्भ में माता जो रक्षक बना था हर घड़ी। अब बड़ी ऊंची बात कह दी दाता दयाल ने कि जब तुम माँ के गर्भ में थे तुम्हारी देखभाल किसने की? कोई हस्ती थी ना, तुम्हें तो कोई पता नहीं, तुम तो थैली पानी की थैली में लुटे लटके हुए थे। तुम्हारा सब कुछ तैयार हो रहा था ना अपने आप ही। फिर पढ़ो यही लाइन। गर्भ में माता जो रक्षक वह बना था हर घड़ी। जब वहां तुम्हारा रक्षक था, वो तुम्हारे खाने का प्रबंध, तुम्हारे पीने का प्रबंध, तुम्हारा हर तरह का प्रबंध वहां उसने किया तो तुम्हें विश्वास नहीं आया कि मैंने तो वहां कुछ किया ही नहीं था। तो बाहर आ गए, बाहर जिंदगी दुनिया में आ गए तो फिर ठेका ले लिया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, होगा वही जो तुम्हारे मस्तक पर लिखा गया है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। कई लोग जाते बड़ा मेहनत करूंगा जी, मैं ये करूंगा, मैं मेहनत भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। और कुछ लोग मेहनत नहीं करते, सब कुछ मिल जाता है। क्या कारण है ये? इसका कारण मतलब पिछली ताकत हमारे पीछे है। मान लो इस बात को तभी सुखी रहोगे, वरना तुम सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें करना क्या? तुम्हें अपना मन ठीक करना है, अपना खाना पीना ठीक करना। मैं पहले बता दिया, नाम के अधिकारी वो बनेंगे या नाम उनको मिलना चाहिए जो जे जानते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। क्या कहा मैंने? वो नाम का अधिकारी है। मैं हमारी सत्संग पर सुनाऊंगा कि नाम किनको मिलना चाहिए। दाता कबीर साहब ने लिखा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन कर सकता है दीदार?
दीदार करने के लिए कंडीशन है। कंडीशन कौन बताता है? कोई नहीं बताता। बस दो चार बातें कर दी, बाकी जो मर्जी चुगली करो, निंदा करो, चोरी करो, ठग करो, तोला तोला तोलो, दूध में पानी मिलाओ, ये करो वो करो, करते हैं ना? क्यों करते हैं? नाम लिया हुआ है फिर भी करते हैं। वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? मैं तो बात ज्यादा आ गई। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कितना ज्ञान दिया, दिया ना 18 अध्याय में उन्होंने कितना ज्ञान दिया। पहले कर्म बात बताई, कर्म की दुनिया, फिर ज्ञान की बात बताई, फिर आखिर में क्या, तू कुछ नहीं कर, तू मेरी शरणागत हो जा, और शरणागत भी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता का सारा ज्ञान लेकर फिर भी वो कहाँ गया? नरक में गया। तो हम जो गीता पढ़ते हैं या दो श्लोक पढ़ ले या चार पढ़ ले, तो क्या हम बच जाएंगे? सवाल है, एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हम पढ़ने से नहीं जाएंगे, हमें करनी करनी पड़ेगी, करनी। जो कहा है उस पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कल्याण होगा, वरना बातों से हमारा काम नहीं होगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा यही। कहते हो तो तू बड़ा तगड़ा हो गया, जीता जागता है, अब भी विश्वास करना कि वही तुम्हें बचाएगा। क्या कहा वाह दाता दयाल, वही शब्द, वही शब्द जो गाया। बेटा सुना दोबारा, दोबारा बोलो थोड़ा सा, सुनो शब्द सुनो। जब शरणागत हुए तो क्या हुआ? गुरु नानक साहब कहते हैं, हाँ, ठाकुर तुम शरण आया, ठाकुर तुम शरण आया, उतर गया मेरे मन का शंशा, उतर गया मेरे मन का शंशा, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरण आया। मेरे मन से संशय कोई नहीं रहा, कोई वहम ही नहीं रहा, कोई दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा, बस आपका दर्शन मिल गया। क्यों, इसका क्या असर होता है? बात समझा देता हूँ आपको। गुरु जो होता है वो निर्लेप होता है, निर्लेप जानते हैं ना, वो अंदर बाहर से परमदेव बाबा की जी का करते, मेरा अंदर बाहर एक है, ये नहीं कि अंदर मेरे कुछ हो रहा था बाहर कुछ हो रहा है। ऐसे इंसान की संगत में जाने से तुम्हारे संशय अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वही रेडिएशन निकलती है ना। अगर वो जहाँ बैठा है कि लोग मेरे मत्था टेकेंगे, पैसे देंगे, कपड़े देंगे, तो किधर निर्लेप हो गया? नहीं होगा ना। ये है दर्शन करने से फायदा क्या होता है, गुरु के पास बैठोगे, उस गुरु की रेडिएशन, उनके शरीर से एक खास ताकत निकलती है, वो प्राप्त करो, उसमें शांति है, उसमें निर्भ्रांति है, वो जैसा तुम हो वैसा वो तुम्हें बना लेता है। मेरी बात समझिए, जैसे वो खुद होते हैं, अपने विचारों से, अपनी रेडिएशन से, अपने टच से वो अपनी एनर्जी तुम्हारे में डाल देते हैं। क्या कहा मैंने? मैं इसको खोल कर नहीं, कैसे बताऊं, मैं खोल के बता नहीं सकता। गुरु की संगत बहुत महान है, बशर्ते कोई गुरु हो, ठेकेदार ना हो, गुरु हो। गुरु का मकसद केवल अज्ञान को दूर करना और इंसान को ठीक रास्ते पर लाना, वो है गुरु का काम, उसको अंधेरे से प्रकाश में लाना, उसको अपना रूप दिखा देना कि तू ये नहीं, तू ये है बच्चा। क्या कहा मैंने? जब वो दिखा देगा तुम्हें तो तुम्हारे संशय कैसे रहेंगे, उसको भय किस बात का रहेगा? जब उसको पता लग गया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं केवल एक चेतन का बुलबुला हूँ, चेतन के बुलबुले की किसी ने क्या बगाड़नी है। जब गुरु ने यह बता दिया कि तुम यू आर नॉट ए बॉडी, तुम बॉडी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो,
तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम इन तीनों के मालिक हो, तुम इन तीनों के मालिक हो, तेरे बगैर इनका कोई भी स्थान नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तू चला जाएगा, ये मिट्टी है, क्या कहा मैंने, जब वो ख्याल आ जाएगा, जब गुरु वो ख्याल दे देगा, फिर दुनिया क्या है। दुनिया को आदमी ठोकर मारता है, हम इनको क्या प्यार हो जाता है, फिर फकीरी से प्यार हो जाता है, हमें फकीरी से प्यार हो जाता है। सब कुछ है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसका है, क्या कहा मैंने। आगे चलो, हाँ बेटा आगे पढ़ दो, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। अनमोलत मेरी दीर्घा मैं तो बोलिया ही नहीं, अनुभव तो मेरी बिरथा, उन्होंने समझा कि मेरे को क्यों आया, क्या कहा। मैं अगर ये कह लूँ कि बाबा फकीर के पास जब मैं 1956 मास्टर मोहनलाल जी के घर में गया, तो उन्होंने तो मेरी मेरा सारा एक्सरे कर लिया, जिन्हों कहते हमने क्या होर कर दे होंगे क्या हो, अल्ट्रासाउंड, उन्होंने पहले दिन मेरा अल्ट्रासाउंड कर लिया। और जिन्हें 4 महीने हो गए, तो हजूर ने सत्संग तो बाद बताया, बच्चा सत्संग के बाद मुझे मिल के जाना, मेरे मन में ख्याल है बाबा जी ने पता नहीं की खाना, बस समझ आता ही है ना, कोई सवाल कर देंगे तो मेरे तो जवाब नहीं दे होना, तो मैं चला गया। आ बेटा आ जा, मैं कहा पिताजी आपने मुझे बुलाया था, अच्छा मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे को सिर से पांव तक देखा, मुझे याद आता है सारा सीन, वो उन्होंने मुझे सिर से पांव तक, पांव से सिर तक देखा और कहा जाओ बच्चा। इसका क्या मतलब था मुझे फिर पता चला, क्यों तेरा तो एक्सरे हो गया, आज तू पास हो गया, बाबा जी ने तेरे चरणा ले लिया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, मैं तुम्हें कर्म से कसम से कहता हूं, मैं लकड़ी पर बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया वो जिंदगी में बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो मेरे गुरु किया, अपने आप ले जाते रहे, जहाँ मेरा काम होना था सब कुछ अपने आप करते रहे। और ये ड्यूटी भी तो उन्होंने ऐसे खेल खेल खेलते खेलते मेरे को दे गए ड्यूटी, क्या कहा मैंने। मैं तो 16 सितंबर 1981 को केवल हजूर के नाम पर एक टेलीग्राम दी थी, जब वो इंग्लैंड से आए और संस्कार यहाँ हुआ, मैंने केवल एक टेलीग्राम, क्योंकि मैं शिमला में था, बिजी था, मेरा कोई एग्जाम था एनफिल का, तो मैंने वहाँ से टेलीग्राम लिखी महाराज जी के नाम पर के, हे सच्चे पातशाह मेरे सदगुरु, मैं आ नहीं सकता आपकी हाजिरी में, मैं आज प्रण करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी सारी जीवन तुम्हारी शिक्षा को फैलाने में लगाऊंगा। मैं सुन ली, आई नेवर डिजायर को, मैंने कितनी निकाल कुछ भी नहीं की, ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल के तब तुम्हारी सेवा में बैठा हूँ, ना कुछ लेना ना देना, गुरु की बात करना है, गुरु की बात करना है, वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन बन जाए, बस ये है उनका मिशन, ये होता है, क्या कहा मैंने। आगे पढ़ो, तुसी कहो सारा पूरा कर दो। अपने वचन से बाजू पकड़ते हैं, और उनका वचन ही बाजू है, क्या कहा मैंने। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे
कि दाता दयाल ने मुझे लिख दिया, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तो मेरे अंग तो ये हैं, अगर आप मेरी बांह पकड़ लोगे, टांग पकड़ लोगे, तो मैं तो दब जाऊंगा। ये मेरा अंग नहीं है, मेरा अंग मेरी वाणी है, मेरा अंग मेरी वाणी है, मेरे वचन को पकड़ो बच्चों, वही मेरा अंग है, और उसको पकड़ कर तुम पार हो जाओगे। मेरी सेवा करने नाल नहीं तुसी पार हो गए, मैनू कपड़े दे के पार नहीं हो गए, मैनू रोटियां खा के पार। इसीलिए तो दाता दयाल जी महाराज ने क्या किया, महाराज परम दयाल जी महाराज 1921 में प्रेम से, प्रेम के मारे हुए, सोने का ताज, चांदी का हुक्का, जरीदार कपड़े और सिंहासन लेकर वहां धाम पहुंचे, दाता दयाल जी महाराज के दरबार में। और जब वहां पहुंचे, दाता को सारे कपड़े भी पहना दिए, तो दाता ने उनको क्या कहा, चेत 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 मेरे भाई, राह से कुराब या भूला परमाना, तू तो भूल गया, ऐ थोड़ी रास्ता जरा तू कर रहा है, जे तो मानसिक सेवा है, आध्यात्मिक सेवा नहीं है। गुरु ने तुम्हें भेद दिया और तुम्हें चताया, मैं तो तुम्हें चता रहा हूं, संत मत धार ही तज मोह माया, ये सारा माया का खेल है, जरा तू लेके आया मेरे पास थे, बात समझ गए। गुरु नी भूखा तेरे धन का, पर तेरा पुकार करावे, भूखे नंगे को दरबावे, वो अपने जेब में नहीं डालता, बात समझ गए। इसलिए कह दिया कि मेरा बाजू पकड़ लिया दाता ने, बाजू तुमने भी पकड़ना है, वो भी पकड़ेंगे। क्या कहा, मैंने पिछली दफा कहानी सुनाई थी आपको कि चिल्ला और गुरुजी चले आगे, दरिया आ गया, पार करना था, तो चिल्ला पीछे पीछे गुरुजी के आगे, गुरुजी कहते बेटा मेरी बाँह फाड़ ला, मेरी बाँह फाड़ ला बेटा, बारिश बहुत तेज पानी चल रहा है। उसने नहीं पकड़ा, बाणी पकड़ी। जब पानी की लहर ज्यादा आई तो गुरुजी ने एकदम मोदी बाँह फाड़ ली पकड़ लिया, उन्हें बचा लिया। तो जल पार चले गए दरिया के किनारे, उन्हें कहने बेटा देख तेने में किन्नी मरी क्या, तू बाँह पकड़ मेरी, बाँह पकड़ मेरी, बाँह तू बाँह क्यों नहीं पकड़ी। कहना महाराज, महाराज मैं कमजोर दिल, हो सकता जल ज्यादा लफा ली तो मैं थोड़ा हाथ ही छोड़ दिता, मैंने विश्वास ही कि तुसी जल मेरी बाँह फाड़ ली तो मैंने तुझे छड़ना नहीं है। क्या कहा मैंने, गुरु को अपनी बाजू दे दो, गुरु को अपना मान लो, गुरु कहीं एक जगह नहीं रहता, गुरु तुम्हारे घट में है बार बार, सभी संतों ने कहा, किस संत ने नहीं कहा कि वो तुम्हारे अंदर है। मुझे ऋषियों का तो पता नहीं भाई, कबीर साहब को ले लो, गुरु नानक साहब को ले लो, बाकी गुरु साहबान को ले लो, और महा संतों को ले लो, महापुरुषों को ले लो, सब ने यही कहा कि वो तुम्हारे घट में है, तुम्हारे घट में है, लेकिन फिर भी तुम भगते हुए हो, तुम्हें हम ना हमें शरण लेनी आती है, ना हमें वचन समझ लगता है, हम बस आ जाते हैं जैसे एक रूटीन बन गया। ये सत्संग है, सत्संग में शक्ति मिलती है, और वो शक्ति किसकी है, वो गुरु के शब्द की शक्ति होती है। और है ना पत्र, दुख नाटे सुख सहने समाए, दुख नाटे सुख सहने समाए, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणा। होता है जो मैंने समझा, एक शरीर का दुख है, शरीर का दुख हमारे कारण आता है, शरीर में कोई रोग नहीं है, मालिक ने हमारा निर्मल शरीर बनाया है, इसमें इतना बड़ा मशीनरी लगाई है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बात समझ गए। लेकिन हम, हमारी जो खुराक है, हमारा खाना है, हमारा पीना है, उसने हमारे इस शरीर को खराब कर दिया। जो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं हम वो भी खाते हैं, और खाते हैं जब चाहे, वो टाइम भी कोई नहीं, बाजार गए चलो खा लो गोल गप्पे, बात कहा मैं क्या कहा रहा। जो चीज़ हम केवल पेट भरने के लिए खाते हैं
वो सात्विक होनी चाहिए और केवल भूख मिटाने के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कि स्वाद पीछे लग गए। इस करके शरीर का रोग लगता है। संत का खाना बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए दाता दयाल स्वामी जी ने लिखा, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ। बात मेरी समझ गए? जब हम देखा स्वाद है और दे दे भाई दो रोटियां दे दे, बहुत स्वाद है, और सब्जी भी और पा रहे बहुत स्वाद, वो गलत है। वो हमारे अंदर पांच चीज़ें हैं, पांच। एक है हमारा लंग्स जो सांस लेता है, एक है हमारा हार्ट, दो। एक है हमारा लीवर जो खाना पचाता है, एक है हमारी किडनी, दो किडनी हैं। वो क्या करती हैं कि वो खून को साफ करती हैं और पानी को लग करके खून हार्ट को देती हैं। एक है हमारा पेनक्रियास जो हमारी रोटी का ग्लूकोज बनाता है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो पेनक्रियास को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको शुगर हो जाएगी। वैसे शुगर बहुत खाते हैं आप लोग, चीनी चाल चाह जब चाहो देखो चाह चाय पी ले, जब देखो चाय पी ले, जब देखो चाय पी ले। गुड़ खाओ भाई, शक्कर खाओ भाई, कुछ नहीं कहती। नमक इतना ज़्यादा आ गया हमारे देश में, टाटा नमक क्या, ये नमक क्या, वो सब किसके कारण है? वो उसका ब्लड प्रेशर होता है। क्या कहा मैंने? ये जितना मैदा है, मैदे की चीज़ें जितनी, ये सब कैंसर करती हैं। मैदे की चीज़ें जितनी भी मैदे की चीज़ें हैं। हमारा खाना बिगड़ गया, खाना को सिद्ध करो तो दुख नहीं होगा। अगर शरीर में दुख है तो मन को दुख होगा, मानसिक दुख भी होगा। फिर क्या कहा मैंने? चैन आएगी जिस आदमी के शरीर में दर्द है, उसको चैन नहीं आएगी, मन भी दुखी हो जाएगा, नाम भी नहीं जपा जाएगा, नहीं जपा जाएगा। मेरी मुझे अपने पता है। क्या कहा मैंने? फिर आत्मा की शांति चली जाएगी, आत्मा की शांति भी चली जाएगी, और वो सच्चाई से तो आप कहीं दूर चल जाएंगे। लेकिन जब गुरु की शरण गए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, ये कहा है गुरु नानक साहब ने। मैंने क्या कहा? आगे तुम पढ़ो। हाँ जी पढ़ो, ये भी कह रहा हूं, ये भी वही बात है। तुम शरण में जाओ, मान लो कि वो करेगा, बस तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे चलो पढ़ो। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है? तो फैसले कर दिए, तुम सोचते हो ये करूंगा वो, इतने क्या फायदा होगा? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं रास्ते में बड़ा सोचता चला गया, बाद में अंदर ज्ञान आया कि तू की करेगा, चुप करके बैठे राम ना। क्या कहा मैंने? कुछ नहीं बनेगा, तेरी सोच करे करता, तू क्या सोचे, तू क्या सोचे, हम बचपन में गाया करते थे। तेरी सोच करे करता, तू क्या सोचे, तू क्या सोचे, गुरुद्वारे में गाया करते थे ऐसे चिमटे के साथ, कहा ना। तो हमारी सोच कुछ नहीं करेगी, हमारी सोच हमें डिस्टर्ब करती है। जब गुरु मिला तो क्या कमाना हो, फिर गुरु को मान लो बच्चों, वो तुम्हारा है, तुम उसके हो, तुम उसके होते नहीं हो, वो तो तुम्हारा ही है। ये मैं तो यूँ यहाँ तक भी कह देता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वो अपने होशियारपुर थोड़ी है या किसी मंदिर में है ना, वो तुम्हारे अपने पास है। दाता दयाल ने लिखा कि मैं सो जाता हूँ तो भी मेरी वो देखभाल करता है। आप सोचो तुम्हारी देखभाल कौन करता है, कौन सांस चलाता है तुम्हारा, तुम्हारा दिल कौन धड़कता है, किसका काम है वो? अपने आप को सोचो, तुम आप लोग क्या करते हो। आगे चलो। सोच क्यों करता है इस सोच से क्या लाभ है, तेरी करनी लाभ का, तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा वही। बस तेरी जो तेरा जो अपना विश्वास है, तेरी जो अपनी श्रद्धा है, तेरी जो अपनी लगन है नाम के बारे में कि मैं जहाँ करने वाला नहीं हूँ, मेरा मालिक और है, जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो खुद ही मेरा ख्याल करेगा, तुम इस बात को मान लो, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मन के पीछे ना चलो कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। थोड़ा अपने आप को नियंत्रण करो,
बगैर नियंत्रण किए हुए, बगैर कंट्रोल किए हुए, आंखों का कंट्रोल, कानों का कंट्रोल, खाने का कंट्रोल, बोलने का कंट्रोल, चलने का कंट्रोल, पैरों को कभी इधर ले गए, कभी चलो उत्थे चल के बह गए, उत्थे चल के बह गए, क्या फायदा उसका? क्या कहा मैंने? मैं कल लोपा हॉस्पिटल में था, दुनिया देखी, मैं मेरे साथ एक वानी सरदार बैठा था, मैं कह सर जी दुनिया को देखो क्या है। मुर्दों का ये नगर है सारा, कबीर साहब ने कहा ये नगर किसका? मुर्दों का है। फिर कहा गुरु कबीर साहब ने, माटी के पुतलों कैसे नचते हैं? मैं कहा देख ला इधर नचते फिरते दौड़े फिरते, किसी ने इधर टाई लाई हुई है, किसी ने स्टेथोस्कोप फड़िया, किसी ने कुछ किया है, मशीन कोई और है, पैसा इकट्ठा करना, बस वो डॉक्टर नहीं रहे, जो डॉक्टर थे वो अब नहीं रहे, अब तो पैसे की बात है, बात समझ गए? तो इसलिए मैं वहाँ प्रार्थना की, सच्चे पातशाह किसी दुश्मन अगर कोई है, मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन अगर कोई है तो उसको भी हॉस्पिटल में ना भेजना, उसको घर में ही ले जाना, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझ गए आप? उसको अपने घर में ही ले जाना, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, और माँ बाप को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्या हो गया ये, क्या कहा मैंने? नाम के नामी बनो, एक मिनट बैठो, दो मिनट बैठो, जितना बैठ सकते हो बैठो, लेकिन बैठो जरूर दो मिनट सुबह शाम, क्योंकि वो ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी कोई चीज़ तुम्हारा साथ नहीं देगी, जो सुबह शाम का तुम्हारा बैठना और उसके साथ जुड़ना वही तुम्हें पार करेगा, बाकी दुनिया का काम तो चलता ही रहता है, क्या कहा मैंने? आगे चलो। ध्यान करे सुमिरन भजन करे मन में उसकी आस कर। ध्यान कर गुरु का, ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, ध्यान कर सुमिरन भजन कर, सुमिरन कर, और सुमिरन फिर भजन में बदल जाता है, भजन क्या होता है? तुम सुनते हो, तुम सुमिरन नहीं करते हो, वो भजन है, वो का कबीर ने तभी तो कहा माला फिरू ना हर भजू मुख से कहूँ ना राम, कबीर साहब की बात सुन लो, माला फिरू ना हर भजू मुख से कहूँ ना राम, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम, वो आपे बाजा मारता आजा बच्चा, वो बाजे मारता है, तुम्हारे अंदर है, हम बचपन में थे तो गुरुद्वारे में कहते थे तुम एक कदम चलो गुरु की तरफ, गुरु दस कदम तुम्हारी तरफ आता है, अब पता नहीं क्या इसका मतलब है, लेकिन वो है तुम्हारे अंदर है, वो शब्द तुम्हारे अंदर है, तुम उसके साथ अटैच होने की कोशिश करो, वो तुम्हारे को पकड़ लेगा, तुम्हें बता देगा कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए दाता दयाल जी ने कह दिया भजन कर सिमरन कर गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, तुम्हारी दुनिया की सारे काम, दुनिया की सारी मनोकामना दो चीज़ों से पूरी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, एक सिमरन करो और गुरु का ध्यान करो, बस तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ले आओ गुरु को यहाँ, बस यहाँ प्यार करो गुरु से, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम गुरु की शरण में चले गए, वो असली गुरु और ऊपर है। क्या कहा? दुनिया बनाने वाला तुम्हारा गुरु यहाँ है, गुरु का ध्यान वो तुम्हारा ध्यान बनाएगा, सिमरन करो ध्यान करो, बस उसकी मौज में रहो, तुम्हारे सारे काम अपने आप होते जाएंगे, आगे चल रहे। ध्यान कर सुमिरन भजन कर मन में उसकी आस कर, उसकी आस रख, बस वो मेरा है, उसी का विश्वास कर के जो कुछ करेगा वो ही करेगा, हम आस नहीं रखते, हम तो दुनिया की आस करते हैं, उसकी आस तो हम सोचते भी नहीं हैं, चलो हम उसको भी याद कर लें, वो ही सब कुछ करता है, दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर, तुम्हारे यही दाता दयाल ने कहा घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वहीं, बताओ तो दाता दयाल ने कहा मैं धाम में बैठा हूँ। क्या कहा मैंने? मगर हम मन के मारे हुए हैं, हमें मन ने बहुत मारा है,
इसको गुरु के अर्पण कर दो, मन को बेचे गुरु के पास, ते सेवक के कार्य रास। आगे चल रहे हो के परगट भीतर और बाहर चिताएगा वही। तो मेरा प्यार करके देखो, देखो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जे लिख दिया दाता दान, तुम्हारे अंदर प्रकट होगा जिससे तुम्हें प्यार है, जो तुम्हारा गुरु है, जिसको तुम माल के कुल का रूप समझते हो, उसका ध्यान किया करो। बस यहाँ ध्यान किया करो, जैसा भी रूप तुम्हें प्यारा लगता है उसका रूप। मैं ये नहीं कहता गुरु की, जहाँ जिसको भी तुम मानते हो, जिसको भी तुम मानते, एक को मानो। दुनिया दुखी क्यों है? एक को नहीं मानते ना, एक को नहीं मानते इसलिए दुखी है। मेरे पास एक मंदिर है, वहाँ पता नहीं कितनी फोटो, मैं तो कभी गया नहीं। एक दिन जाना पड़ा, एस डी एम ने आना था, तो मुझे कहते सर आप भी आइए। तो वहाँ मैंने देखी को दस गेट के ऊपर क्या शनि लगाया हुआ काला जा, और इधर शिव की पिंडी, इधर राम और सीता, उधर भगवान कृष्ण, आगे बाबा श्री जो वहाँ देवता रूप उनका स्टैचू। लोग आ जाते हैं सुबह पार्टियाँ लेकर, पता नहीं क्या खाते हैं। बताइए तो कितने लोगों की पूजा करते हैं वो ना, उनको विश्वास ही नहीं है, उनको विश्वास नहीं है एक पर। तो जिसको एक पर विश्वास नहीं है वो पार कैसे जाएगा? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, संतों की बात है। एक बेड़ी पर पैर रखो, फिर देखो तुम्हारा क्या बनता है। क्या कहा मैंने? आगे तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में। तो कहा है गुरु जिसका तुमने ध्यान करना? तुम्हारे मन में, तुम्हारे तन में, तुम्हारे सांस में है। तो तुम कहाँ हो? तुम पूछो अपने आप को, तुम कहाँ हो? तन में भी वही है, तुम्हारे मन में भी वही है, तुम्हारा सांस लेने वाला भी वही है। तो तुम किस चीज का ठेका लेते हो? बताओ जरा, सोचो आप इस बात को। वो तो सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे नब्ज वो ही चला रहा है, तुम्हारा दिल धड़कर वही धड़क रहा है। क्या कहा? आंख में बैठकर वही देखता है। लेकिन जब तुम चोर बन जाते हो, ठग बन जाते हो, तो आंखों के में दौड़ जाता है वो। इसलिए कर ला तो जो करना, फिर नहीं वो रहता, वो नहीं रहेगा, फिर वो तुम्हें तुम्हें छोड़ जाएगा। क्या कहा मैंने? तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे श्वासों श्वास में। श्वास को लेते हुए देखो ये कौन ले रहा है, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि सांस लेने वाला कोई और है, मेरा मन नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा भी नहीं है। उसके आगे सर झुकाओ, उसके आगे सर झुकाओ, उसकी शरण में जाओ, फिर बात बनेगी। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। किसका? वो जो तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? आगे चलो। तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में, रह के अपना रूप भी, रह के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा वही। मान लो के वो अंदर है मेरे, वो रूप दिखाएगा के मैं यहाँ भाई। क्या कहा? दादा दयाल ने साबित कर दिया, तुम्हारे अंदर रहता है वो। तो अगर तुम विश्वास से बैठोगे सुबह शाम उसको देखने के लिए, तो वो तुम्हें नजर आएगा। क्या कहा? मुझे कुछ टेलीफोन आया भिवानी से, जहाँ कभी वो आदमी आया था, मैं भी गया था। मैं कहा कैसे हैं आप, जिससे आपने याद किया? बाबा जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ तो आपके आंखों से ऐसे रोशनी निकलती है, आपके आंखों से ऐसे रोशनी निकलती है, मैं अंदर देखता हूँ। मैं क्या मैं उनकी दसा कि मैं तो इतने बैठा सी, मेरी अखा दे मेरे को लिया। वो किसने पैदा किया उसको? उसी को विश्वास ने मुझे पैदा किया, मैं नहीं था वहाँ। उसके विश्वास ने मुझे माना कि मैं, मेरी आंखें ऐसी हैं,
उनमें से प्रकाश निकलता है। उसने माना तो हो गया। क्या कहा? तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे श्वासोश्वास में। अगर ऐसा मानोगे तो एक दिन तो दर्शन भी दे जूंगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। आगे घट में है वाह, घट में है वाह, संसार के खटे पट में है। सारे संसार जो कुछ हो रहा हो ही है, वो ही उठे उठे चलता। आगे चल। घट में तेरे, घट में है वाह, घट में है, संसार के खट पट में है। तुझको क्यों चिंता है, खट पट को मिटाएगा वही। तू कहू चिंता करता, जो हो रहे हो दे, तुम्हें क्या चिंता, खटपट के भी उथे हो गया, उथे हो गया, वो ही मिटाएगा। तू अपने आप नू देख बस। ए इंसान, तेरा संसार तेरे अपने अंदर है, बाहर की दुनिया तेरी नहीं है। बाहर की दुनिया कुदरत की दुनिया है। तुम उसको बदलना चाहेगा, वो नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। तुम अपने संसार को जो अंदर तुम्हारे ख्यालों में है, वो अगर पकड़ लोगे और गुरु के बात पर चलोगे, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारा संसार है, बाहर की दुनिया है, ये कुदरत की, इसको किसने बदलना? कोई नहीं बदल सकता माइकल आल। लेकिन तुम अपने आप को बदल सकते हो, तुम अपने संसार को बदल सकते हो। इसलिए कहा बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। पॉजिटिव रहो कि मेरा है, मेरा दाता है, और उसको खुशी से अपना समय गुजारो। काहे की चिंता करनी है? चिंता ताकि कीजिए जो होने सो होए, जेड़ा होना हो तो होना ही है, क्यों अपने रोग लाना। ठीक है, आगे चलो। राधा स्वामी नाम ले और नाम मेरी स्थान ले। बस ये अब नाम दान दे दिया दाता दयाल जी महाराज ने। आप लोगों को बिना मांगे नाम दान दे दिया। राधा स्वामी नाम का सिमरन करो, हो गया ना। पढ़ो जी, कहते हैं राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले। हो गया फैसला, हो गया। केड़ा नाम जपना, केड़ा सिमरन करना? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, इसको जपना है। और जहां जपना है, क्या कहा मैंने, देखो तो क्या मिलता, देखो तो काम कितना नहीं होंगे, क्योंकि ये उसका नाम है। क्या कहा मैंने? आगे चलो। नाम की धुन राग अनाद, नाम की धुन राग अनाद में सुनाएगा। बस फिर कहीं जाओगे तो के अनहद हो रहा, और फिर उसको सुनो, आनंद सुनो, बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। उसको सुनो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, और वो तुम्हारे अंदर है, शब्द भी तुम्हारे अंदर है, और शब्द का मालिक भी तुम्हारे अंदर है। तो आज जो तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश की है थोड़ा आपके चरणों में सेवा करने की। आप लोग सुखी रहो। दो ही बातें आपको बता दें, शरणागत कैसे होना है, और नाम कैसे जपना है, क्यों जपना है, और नाम जपने वाले का फायदा क्या होता है, सब कुछ बता दिया। सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।